आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में स्वाद के शौकीनों के लिए अब एक नया ठिकाना खुल गया है। जी हाँ, नजीर फूड्स। कहते हैं कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन जब आप खाते हैं तो उसका स्वाद आपकी यादों में बस जाता है। कुछ ऐसा ही स्वाद है नजीर फूड्स का। तभी तो नजीर फूड्स का एक नया आउटलेट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी खुल गया है। आपको बता दें कि नजीर फूड्स की दीवानगी ऐसी है कि अब तक इसके देश भर में कई आउटलेट खुल गए हैं। ऐसे में देहरादून में भी स्वाद के शौकीनों के लिए नजीर फूड्स का आउटलेट खुल गया है। आज नजीर फूड्स की ग्रैंड ओपनिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता शादाब शम्स। तो क्या कुछ खास है देहरादून के नजीर फूड्स में, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। अगर आप राजधानी देहरादून में किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे हैं जहां पर कि जो पूरे परिवार के साथ जाएं आप और आपको साफ सुथरा खाना, टेस्टी खाना इस तरीके से कुछ मिले, तो फैमिली के साथ अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपकी इसी दुविधा को दूर करने जा रहे हैं। दरअसल राजधानी देहरादून में जो नज़ीर फूड्स है, इसकी एक फ्रेंचाइजी यहाँ पर खुल गई है। देहरादून के जाखन रोड में इस फ्रेंचाइजी को खोला गया है। उत्तराखंड में पहली ये फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा पूरे अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अलग अलग जगह में नज़ीर फूड्स के नाम से आपको ये तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो दिख जाएंगे। पूरा फैमिली रेस्टोरेंट है। आज इसकी ओपनिंग हो गई है और आप देखेंगे शानदार तस्वीरें इस नज़ीर रेस्टोरेंट की। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नज़ारा है। ये देखिए आप, तो नज़ीर फूड के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं और अलग अलग डिशें आपको यहाँ पर मिल रही है। कोशिश की गई है कि जो भी आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन सब का ध्यान इस नज़ीर फूड रेस्टोरेंट में रखा गया है। तो बड़ी संख्या में देखें आप लोग किस तरीके से आ रहे हैं। और आज इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स के कर कमलों से इस नज़ीर फूड की ओपनिंग हुई है। आपने देखा इतनी ग्रैंड ओपनिंग हुई, खाने का भी आपने लुत्फ लिया, कैसा लगा आपको पूरा? देखिए, नज़ीर एक बहुत बड़ी फूड चेन है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पहला आउटलेट खुला है नज़ीर्स का। जो फूडीज़ हैं जिनको खाने का शौक़ है, और क्योंकि हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं देहरादून मसूरी, और लोग बहुत बाहर से आते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, वेज नॉन वेज दोनों, एक बड़ी क्वांटिटी में एक बहुत अच्छा फूड की लाइन हमें मिले। तो मुझे लगता है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि नज़ीर्स अब देहरादून में आ गया है। और मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट, जो मैंने रेस्टोरेंट देखा, पूरा किचन का भी मुआयना किया है, तो बहुत शानदार एम्बियंस है, बहुत शानदार सेटिंग्स बनाई है, बहुत खूबसूरत तरीके से इस छोटे से आशियाने को सजाया है। मैं कह सकता हूँ आज हम लोगों ने अभी कबाब्स, चिकन सब टेस्ट किया है और मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई नज़ीर का जवाब नहीं है। पूरे उत्तराखंड में पहला आउटलेट आपने खोला है? हाँ जी, ये उत्तराखंड का हमारा पहला आउटलेट है। वैसे तैयारियाँ तो हमारा और भी चल रही हैं, जैसे हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर स्टेट की कैपिटल से स्टार्ट करी, राजधानी से स्टार्ट किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिलता है। तो इसलिए हमने जो हमारे साथ में हमारे मित्र हैं अभिषेक जी और शिवम जी, इनके साथ मिलकर हमने पहला आउटलेट यहीं खोला है। जो नज़ीर देहरादून में आउटलेट खुला है वो ओम जी के ही सपोर्ट से हमने यहाँ पे खोला है। और बेसिकली क्या है, जो नज़ीर का फूड्स है वो करीब 45 साल से या 40 साल से इंडिया को सर्विस देता आ रहा है और अपना टेस्ट इंडिया के हम हर लोगों को देता हुआ आ रहा है। जो हम बहुत टाइम से मुगलिया फूड के बारे में बात करते हैं, मुगलिया फूड बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट हम लोग जाना चाहते हैं कि वो कैसा टेस्ट होता है। तो किसी भी ब्रांड में या किसी भी आउटलेट पे आप जाएं, लेकिन जो नज़ीर आपको देता है वो ओरिजिनल मुगलिया फूड आपको टेस्ट देता है। और इसकी वजह से 45 साल से इंडिया के ऊपर नज़ीर ने बहुत अच्छी छाप छोड़ी हुई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में हम आए हैं तो यहाँ पर एक ऐसा डेंट मार के जाएंगे कि उसकी छाप हमेशा यहाँ रही रहेगी। आपको यहाँ पर कैसा रिव्यू रहा आपका पहले दिन आप? टेस्ट में बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा खाना था ना, चेंजिंग है काफ़ी। और उसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, नज़ीर में आप आए हैं, जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से आपको काम लग रहा है? नाम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, और मेरे को क्वांटिटी का आपको डबल ही लेना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, फुल प्लेट है तो एक बंदा, दो बंदे आराम से खा सकते हैं। रेट कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है।
क्वालिटी भी क्वांटिटी भी दोनों मेंटेन रखी है, प्राइस भी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और मार्केट में मैंने और भी आते रहते हैं यहाँ पे देहरादून मसूरी में जाते रहते हैं, लेकिन इन क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये उत्तराखंड में पहला आउटलेट खुला है नज़ीरपुर का, एक फ्रेंचाइजी चैन बनती आ रही जो पूरे NCR हरियाणा UP पूरे कवर कर चुका है। तो ये आउटलेट हमने पहले सोचा कि उत्तराखंड में नहीं है, तो हमने पहले मेन सिटी देहरादून जो उत्तराखंड के आप में एक दिल है उसमें हमने फिर ये देहरादून सेलेक्ट किया है। और ये उत्तराखंड में पहला है, ये 56 आउटलेट में है नंबर वाइज। तो नज़ीर फूड का फूड एंड एक्सेट्रा हमारे और भी जैसे हैं नॉन में, उनके भी नज़ीर खुला हुआ है। तो फिर हम इस लाइन में देखा, पहले खुद पे चेक किया टेस्ट में, बाकी और अदर में। तो अदर जो रेस्टोरेंट हैं और नज़ीर की चैन है फ्रेंचाइजी जो इसका हमने लिया है, उसका स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी में भी नहीं रहा, और इसका स्वाद और अदर रेस्टोरेंट से सबसे बेस्ट है। अभिषेक और शिवम दोनों छोटे भाई हैं, दोनों बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और इन्होंने इनकी मेहनत नज़र आ रही है। बहुत अच्छा स्टोर खुला है, बहुत अच्छी रोड है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये उतना ही कामयाब होगा। तो आप भी अगर स्वाद के शौकीन हैं और चखना चाहते हैं कि आखिरकार नज़ीर फूड्स में ऐसा क्या खास है, तो चले आइए देहरादून के राजपुर रोड स्थित जाखन में खुले नज़ीर फूड्स में, जहां आपको मिलेगा स्वाद का खजाना। जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन प्रतीक कृषाली के साथ अंकित काला की रिपोर्ट।